शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे गई, आई क्यों नहीं अभी तक? कब से इंतजार कर रहे हैं हम? आएगी तो ना? आएगी कीर्ति, क्या सोच रही है? आएगी, आएगी। एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। अब सुनने सुनाने को बचा ही क्या श्रद्धा? वैसे ही अंदर ही अंदर मैं एक हारा हुआ बेटा महसूस करता हूँ। और जब से मेरे अकाउंट में वो पैसे आए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा झूठा जमीर मुझ पे हंस रहा है। अबे, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे मेरे अकेलेपन को जरूर समझो, पर सच सच बताओ, तुमने वो चेक अपने पापा को वापस क्यों नहीं किया? देखिए अभय, कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना जिस पे हमारा जोर नहीं होता है, और मैं कभी भी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लूंगी जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पता है, मुझ में और पापा की दुकान पे पड़े उस बासी सामान में ना कुछ फर्क नहीं, वो भी बस भीड़ में पड़ा ही है। जब तुम मेरी तारीफ कर रही थी, मुझे तुम्हारी आंखों में वरुण जैसे आदमी की उम्मीद दिख रही थी। वो जिम्मेदार है, उसे पता उसे जिंदगी में क्या करना। मैं वरुण नहीं हूं, मैं अभय हूं, एक निकम्मा नालायक अभय। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, क्योंकि जहां मेरी इज्जत नहीं होती ना, मेरा दम घुटता है वहां। या कमिंग कमिंग, वेट 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 ना। दरवाजा खुल गया। अरे भाई, भिक्षा का द्वार मंदिर की तरफ होता है, वहां जाके मांगो ना। यहाँ कहाँ चली आई, यहाँ कछु नहीं मिलने वाला, समझी? टुकुर टुकुर ऐसे देख रही हो जैसे ई घर की मैडम जी हो। वैसे तुम्हें देख के तो कोई भी धोखा खा जाएगा। चलिए अब यहाँ से गेट आउट हो जाइए। वो को दे, भीख मांगो। वो ये कौन है? क्या बदतमीजी कर रही हो हमारी भाभी के साथ? तमीज से बात करो वरना ये जो तुम्हारी चोटी है ना, वो पकड़ के तुम्हें ऐसा मारेंगे चेहरे का नक्शा बदल देंगे। वाह, आजकल तो फुल्लन फैमिली के साथ आ जाते चंदा मांगने, हाउस हाउस पहुंच जाते। लेकिन मैडम जी, ये डोर काहे खटखटाए? यहाँ सब खाली है, चलो फुटो यहाँ से आप, फुटो। ये क्या तमाशा हो रहा है? कौन है ये? सर जी जैसे दिखने वाले अंकल जी, हु आर यू? पर यहाँ कहाँ फैले जा रहे हैं?
अरे भिक मंगी अब दबंगई पर उतर आई। गो बैक। भिक मंगी होगी तुम। तमीज से हमसे बात करो, अगर बदतमीजी की ना हमारे साथ तो ये जो गर्मा गर्म चाय है तुम पे गिरा देंगे। तमीज वाले काम भी तो करो, अंग्रेजी में उतना लोग से समझाए कि बाहर वाले आउट तक समझ में नहीं आया। अगर हिंदी में सुनाने पे आ गए ना तो कपड़े लूज हो जाएंगे, समझी? भाभी क्या बातें कर रही है छी। बस खुद तो घर में डेरा जमाए बैठी हो और बदतमीजी कर रही हो। आप कौन मैडम जी? मैं खामखा। तुम कौन हो? हमारा इंटेरो देने के लिए ना वो अंग्रेजों की क्वीन को बुलवाई लो। मम्मी पापा बुआ वो ये हमारे घर की नई ये सोनाली है घर का काम करने के लिए। बिना भाभी से पूछे काम वाली बाई रख ली और वो भी ऐसी। अरे ओ जरा तमीज से, काम वाली नहीं बोलते हाउस हेल्प बोलते हाउस हेल्प, इतना भी नहीं पता क्या? गवार। हमें गवार कह रही हो? गवार तुम। जी हाउस हेल्प। आ गए आप लोग? वैसे आप लोग तो दो दिन के बाद आने वाले थे ना। अच्छा ये बताइए कि सफर कैसा रहा? कीर्ति ये सब क्या है? तुम जरा ना चुप रहो, ये पंचायत हमें बिठाने दो। कीर्ति किसे काम पर रखा है जो हमारे घर में हमें आने से रोक रही है? ओहो हमें क्या पता, मिस्टेक तो आप लोगों की है ना। देख रहे हैं डोर पे कोई न्यू लेडीज आई है तो टेल करो ना कहाँ से आई है, कौन है। क्या टेल टेल? हाँ उल्टा चोर कोतवाल को जाते। अब क्या हम अपने घर में आए तो हमसे गलती हो गई? हाँ ऐसा क्या हो गया कि इतना भड़क रही है? नो जी ये आप हमसे क्यों पूछ रही? ये लेडीज से पूछ लीजिए। बताइए आज मॉर्निंग से ना लोग हमें टुकर टुकर देखे जा रहे हैं। हम वहाँ तो बहुत बिचीटे हैं भैया, हम तो चले। ठीक करेंगे देख लेना। नाना जी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा, अब चलिए अंदर चलिए। बैग्स ले लो। खत्म नहीं होता है कि तुम्हारी बहन दूसरा तमाशा हाजिर कर देती है। ना खुद चैन से बैठ सकती है ना दूसरों को चैन से बैठने देगी। अब चाय नाश्ता कौन करवाएगा? चलो हम ही लेके जाते हैं। दो क्या? कीर्ति जब तुझे इस घर के कायदे नियम पता है तो फिर तूने बिना पूछे इस घर के लिए काम वाली क्यों रख ली? दीदू हमारा भी घर है तो हमारा भी हक बनता है। तुझे कभी कुछ क्यों नहीं समझ में आता है कीर्ति? पर दीदू उसमें समझने और समझाने वाला है क्या? घर के कामों के लिए अगर हमने किसी को रख लिया, कोई हाउस हेल्पर को रख लिया, उसमें कौन सा पाप हो गया? तेरे इस घर में बहू बनने से पहले वो लोग इस घर को संभालते आ रहे हैं। अगर तुझे मदद के लिए कोई चाहिए ही था तो उनसे तमीज से बात करती, उन्हें मना लेती। ऐसे तूने उनसे बिना पूछे उसे इस घर में बुला लिया, ये गलत है। मतलब गलत है मम्मी, मैं जानता हूं कि आपने इतने सालों तक इस घर को अकेले संभाला, पर कीर्ति ये नहीं कर पाएगी। हर बार कुछ ना कुछ परेशानी होती रहेगी और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको पहुंचेगी।
इसीलिए आपकी मदद के लिए मैंने उसे रखा है। वैसे वरुण कह तो सही रहा है, बहुत मेहनत कर ली आपने इस घर के लिए, अब थोड़ा आराम भी कर लीजिए। और बहू ने किसी के मदद के साथ ही सही आपका काम तो बांट लिया ना, अब नई पीढ़ी के नए तौर तरीकों के साथ हमें भी तो थोड़ा बदलना होगा ना। चाय नाश्ता भिजवा दो। हम भी सफर की धूल मिट्टी जरा उतार लें। भाभी देखा आपने, बहू ने हमारे बेटे को पराया कर दिया है। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। काम के लिए बोला था ना, और ये घर वाले कौन से जमाने में रह रहे हैं? आजकल की कौन सी बहू दिन भर घर के काम में उलझी रहती है? रसोई में बांधने के लिए ब्याह कराया था। तुझे कुछ भी समझाना ना कीर्ति, दीवार में सर मारने के बराबर है। ये सब छोड़, तू जा जाके रेडी हो जा। मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, भाई दूज के लिए घर बुला रही है, और वहाँ बबलू भी इंतजार कर रहा है हमारा। हमें पता है कि बबलू इंतजार कर रहा है, हम तैयारी होने जा रहे थे। और ये जो आपका भाषण है ना, प्लीज किसी और को जाके सुनाइए, हम रेडी होके आपको कॉल कर लेंगे। श्रद्धा तुम आ गई, नीचे का माहौल कुछ संभला कि नहीं? जी। तुम्हारी बहन ना ललिता पवार ही ले आई है घर में। खैर उनका घर उनका ड्रामा वो जाने। अरे तुम देखो तो ये अभय है कहाँ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। और हाँ तुम जल्दी से तैयार भी हो जाओ। जी। बोलो क्या चाहिए? अब आप कहाँ हैं? घर में सब पूछ रहे हैं। कुछ दोस्तों से मिलने आया हूँ। वो दरअसल आरती आपका इंतजार कर रही थी भाई दूज का तिलक करने के लिए। मुझे पता है घर कब आना है, मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा सुनिए, वो मैं और कीर्ति भी घर जा रहे हैं बबलू का भाई दूज का तिलक करने के लिए। और अगर आप कहें तो मैं आरती के लिए भी कोई तोहफा ले आऊँ। हाँ क्यों नहीं, आरती का भी तो निकम्मा है ना, उसे कुछ दे नहीं सकता है वो। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा ना। वो मेरी बहन है और उसको गिफ्ट देने की औकात रखता हूँ मैं, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए मुझे। मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाने का भी नहीं था। अरे यार श्रद्धा मुझे तुम्हारी सफाइयाँ नहीं चाहिए, तुम अपने भाई का देख लो, मैं अपनी बहन का खुद देख लूंगा। के पढ़ाई करना और इस घर का नाम रोशन करना, ये ले। वाह दीदू, अब होगा ना असली मुंह मीठा। बहुत सारी मस्ती करना। अरे इस बार भी कंजूसी। कीर्ति शगुन के लिफाफे में मोलभाव कौन करता है? अच्छा आपको ज्यादा क्यों मिला दीदी बताइए।
बेटा दोनों को बराबरी दी है। शगुन में तो आपने बराबरी कर ली पापा, पर बेटियों की बराबरी का क्या? दीदू को जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं उसका क्या? बबलू बेटा तुम अंदर जाके पढ़ाई करो। पापा आज भी? बहस नहीं बबलू, अंदर जाओ। श्रद्धा की शादी पर जो पैसे जमा किए थे वो तेरे नाम तो हो गए, तेरी शादी हो गई उसमें बेटा। एक मिनट मम्मी, वो शादी क्या हमारे लिए हुई थी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए हमारी जिंदगी हमारे सपनों की कुर्बानी दे दी आपने, और जब पैसे देने की बात आई सब कुछ दीदू का। कीर्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही है क्या तू? आज त्योहार का दिन है, कौन सी बात लेके बैठ गई? और आज के दिन में तुझे शिकायत करना जरूरी है क्या? दीदू ये हमारा भी परिवार, ये हमारे भी मम्मी पापा है, हमारा जो दिल आएगा हम वो बोलेंगे। और पापा आप तो हमें समझते हैं ना, आपको तो पहले से पता है कि हमारे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, कल भी थे और आज भी हैं। वरुण जी बहुत अच्छे, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो पापा हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनकी तरफ। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन बेटा इस वक्त मेरी इतनी ही क्षमता है। अच्छा तो आपने सब दीदू की शादी में दे दिया, क्या होता अगर हमारी शादी दीदू के बाद होती तो? आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं। अगर ऐसा होता बेटा तो एक बाप होने का फर्ज मैं जरूर निभाता, किंतु अगर अचानक से मुझसे इतने सारे पैसे मांगोगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। जैसे तैसे तो बेटा उस शादी के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। मना किया था ना तुझे कीर्ति ये बात छेड़ने के लिए? मम्मी पापा की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है ना तुझे? इतने पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अच्छा आपको मम्मी पापा की इतनी टेंशन है, तो आपने क्यों लिया 10 लाख दीदू? हम बैंक में पड़े पड़े सड़ाने के लिए तो नहीं लिया होगा। हाँ आपने ना अपने निकम्मे पति पे उड़ाने के लिए लिए हैं पैसे। कीर्ति रहने दीजिए मम्मी, आप प्लीज अपना त्योहार खराब मत कीजिए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। हमें पता है पापा, इस घर में ना सिर्फ आप ही हमें समझते हैं, पर पापा थोड़ा जल्दी करिएगा ना, ज्यादा टाइम मत लगा दीजिएगा। हाँ बेटा। पापा अब हम लोग भी चलते हैं, वो घर पे सब हमारी राह देख रहे होंगे, तो हमें भी चलना चाहिए। आप प्लीज मम्मी का ध्यान रखिएगा। कीर्ति मैंने घर पे उस वक्त मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक बात तो कान खोल कर सुन ले कीर्ति, अभय के बारे में एक शब्द भी अगर उन्हें बुरा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मुंह बंद करके सच्चाई तो नहीं बदल दोगे ना दीदू? तुझे सच वही समझ में आता है जो तुझे दिखता है। तेरे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि मम्मी पापा ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, पर तूने एक बार भी सोचा कि वो पैसे मिलने के बाद क्या हुआ होगा? घर पे कितना तमाशा हुआ पता है तुझे? तमाशा? अभय एक बहुत ही खुददार इंसान है, उन्होंने तो ये तक कहा कि मैं उन पैसों को वापस करके आऊं, पर मम्मी पापा ने मना कर दिया। दीदू ये बेकार की बात है ना, हमें सुना के कोई फायदा नहीं है। बेकार की बात है? तुझे पता है कीर्ति अभय ने उन पैसों को हाथ तक लगाने से मना कर दिया है, इसलिए नहीं
कि मम्मी पापा ने वो पैसे दिए इसलिए क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उन पैसों का इंतजाम किया होगा और बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। दीदू आपके भोलेपन का ना फायदा उठाता है अब आपको ऐसा लगता है कि वो उन पैसों को हाथ नहीं लगा रहा पर वो उन पैसों से ना अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है। दीदू हम पे चिल्ला कर कुछ नहीं होगा खुद ही अपनी आंखों से देख लो आपका भाई क्या गुल खिला रहा है कैसे बाहर हमारे घर की इज्जत उछाल रहा है वो तेरी सिर्फ अकड़ बड़ी है तू रहेगा निकम्मे का निकम्मा ही जान से मार दूंगा तुझे मैं अबे जा से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।